इंसाफ के खत पर एलामिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। एलामिया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा किसी को ना दबाव में लाया जा सकता है ना किसी की हिमायत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फजल से अल्लाह के फजल से और अपने हल्फ के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही करते रहेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान वसीम से। जी इमरान वसीम जी बिल्कुल, कल एक लेटर जो है वो लिखा गया था 1 दिसंबर को, जिसमें किसी वकील का नाम नहीं था और उसमें ड्राफ्ट करने वाले का नाम भी नहीं था। 7 पेजेस का ये खत था और इसके साथ कुछ 77 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे और उस खत को कहा गया था कि ये चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा है। तो उस खत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक अलामिया जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल तौर पर अदराक है, एहसास है और वो आइन के मुताबिक अपने जो फ्राइज हैं वो सर अंजाम देते रहेंगे। और इस्लामिया में ये भी कहा गया है कि कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ना प्रेशराइज कर सकता है ना उनको जो है वो किसी की सपोर्ट करेंगे, बल्कि ये भी कहा गया है कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारियों और हल्फ के मुताबिक अपने फ्राइज सर अंजाम देते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया इमरान वसीम।